नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सीरीज सर्विस में। आज है 20 फरवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 20 फरवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे, तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, परीक्षा ऐप आपके लिए लाया है महाशिवरात्रि ऑफर, इसमें आपको पूरे 50% की छूट मिलने वाली है। अगर आप हमारा कूपन कोड TCS40 यूज़ करते हो तो आप यदि MP व्यापम, MP पटवारी, MP कांस्टेबल, आबकारी कांस्टेबल, डिफेंस, SSC, रेलवे, राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम और UP कांस्टेबल, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इनसे रिलेटेड टी सीरीज परचेज करना चाहते हो तो आज आपको 50% का ऑफर मिलेगा। और 50% ऑफर की आज लास्ट डेट है, यानी 20 फरवरी को ये ऑफर आपका खत्म हो जाएगा। तो आप आज रात 12 बजे के पहले इस ऑफर को परचेज कर लीजिएगा। इसमें आपको देखिए, इसकी एक्चुअल प्राइस की बात करें हम तो ये 500 रुपए है। अगर आप हमारा कूपन कोड TCS40 यूज करोगे तो आपको पूरे 50% की छूट मिलेगी और ये मात्र आपको 250 रुपए में पड़ेगा। और देखिए, इस क्वेश्चन में काफी लोगों को कंफ्यूजन था कि हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा हमारे देश के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के 6वें एयरपोर्ट का भूमि पूजन कहां पर किया है। तो देखिए, ये रीवा में किया है, ठीक है। और देखिए, हमारे मध्य प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट कहां पर बनेगा, तो ये रीवा में ही बनेगा। काफी लोगों को दतिया में कंफ्यूजन था, ठीक है, तो दतिया में नहीं दोस्तों, ये 6वां एयरपोर्ट रीवा में ही बनाया जाएगा। देखिए, ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का आर्टिकल है और ये एक गवर्नमेंट साइट है, तो इसका जो ये आर्टिकल मैं लाया हूं आपके लिए, ये 1 अगस्त 2017 का है, ठीक है। उस समय के हमारे देश के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन थे, तो ये श्री जयंत सिन्हा जी थे। तो इनके द्वारा एक इंफॉर्मेशन दी गई थी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ओवंस एंड मेंटेन्स 8 एयरपोर्ट्स इन मध्य प्रदेश इंक्लूडिंग 5 ऑपरेशनल एयरपोर्ट एट भोपाल, जबलपुर, खजुराहो, इंदौर एंड सिविल इनक्लेव एट ग्वालियर एंड 3 नॉन ऑपरेशनल एयरपोर्ट एट खंडवा, पन्ना एंड सतना। भोपाल, इंदौर एंड खजुराहो एयरपोर्ट्स हैव ऑलरेडी बीन अपग्रेडेड टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स विथ न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग्स एंड अदर्स एसोसिएट वर्क। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करें इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो हमारे मध्य प्रदेश में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। देखिए, जो MBPSC 2021 का क्वेश्चन आया था कि हमारे मध्य प्रदेश में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, तो उसकी जो फर्स्ट आंसर शीट जारी की गई थी उसमें 2 आंसर था कि 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। फिर जो सेकंड आंसर की जारी हुई थी उसमें हमारे मध्य प्रदेश में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बताया गया है, ठीक है। कहाँ कहाँ, भोपाल, इंदौर और खजुराहो, तो तीनों जगह है। ये स्टेटमेंट 2017 में हमारे तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री जयंत सिन्हा जी के द्वारा दिया गया था। कहां पर, ये राज्यसभा में दिया था। देखिए, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो अलग वहां पर डेटा मिलेगा आपको, अगर विकिपीडिया पे देखोगे तो अलग डेटा मिलेगा, और अगर बुक में देखोगे तो वहां पर अलग डेटा मिलेगा। सभी जगह अलग अलग डेटा दिया रखा है, तो दोस्तों आप सिर्फ इस डेटा के हिसाब से चलिएगा, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश में कितने एयरपोर्ट हैं, देखिए ऑपरेशनल 5 एयरपोर्ट है, ठीक है, और नॉन ऑपरेशनल की बात करें तो 8 एयरपोर्ट है। कहां कहां पर ऑपरेशनल एयरपोर्ट है, भोपाल, जबलपुर, खजुराहो, इंदौर और ग्वालियर, ठीक है। और 3 नॉन ऑपरेशनल एयरपोर्ट कहां कहां पर है, तो ये खंडवा, पन्ना और सतना। हमारे मध्य प्रदेश में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, भोपाल, इंदौर और खजुराहो, ठीक है। अभी तक मैंने आपको 2 बताए हैं, तो आप वहां पर करेक्शन कर लीजिएगा। हमारे मध्य प्रदेश में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसके रिवीजन कर रहे थे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, 18 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश के कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में किस देश से 12 चीते लाए गए हैं, तो ये दक्षिण अफ्रीका से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अभी हाल ही में 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए हैं। इसके पहले ही कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से कितने चीते लाए गए थे, तो नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। कब, ये 17 सितंबर 2022 को, और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत भी कब की थी, तो ये 17 सितंबर 2022 को की थी। हाल ही में 18 फरवरी 2023 को किस देश से कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में 12 चीते लाए गए हैं, तो ये साउथ अफ्रीका से। इसमें 7 नर है और 5 मादा है। बात करें कूनो राष्ट्रीय उद्यान की, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था, तो ये 2018 में मिला था। और यह राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर जिले में कून नदी के किनारे पर है, ठीक है। तो किस नदी के किनारे पर है, कून नदी के किनारे पर है। और देखिए, अभी हाल ही में भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था, तो ये इंदौर में किया गया था, ठीक है। कब से कब तक, 8 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक। तो इसमें मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली इसमें मुख्य अतिथि थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था,
तो ये इंदौर में किया गया था। बात करें हम यहाँ पर फिजी की, तो देखिए अभी हाल ही में फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है अभी हाल ही में, तो ये फिजी में। कब से कब तक, तो ये 15 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक। और यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर जवाहर कर्णावट को विश्व हिंदी सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर जवाहर कर्णावट का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। और भोपाल में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, तो ये 2015 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में औद्योगिक इंजीनियरिंग एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है इंदौर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभी हाल ही में औद्योगिक इंजीनियरिंग एक्सपो 2023 का आयोजन इंदौर में किया गया है। कब से कब तक, तो ये 10 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले की मड़वास उप तहसील को तहसील बनाने की घोषणा की है, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, सीधी डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मड़वास उप तहसील को तहसील बनाने की घोषणा की है। और मड़वास उप तहसील कहाँ पर है, तो ये सीधी में है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है, तो ये 428 है। हमारे मध्य प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है, तो ये 428 है, ठीक है। और देखिए अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भिंड को नगर निगम बनाने की घोषणा की थी, ठीक है। तो देखिए अभी हमारे मध्य प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है, तो ये 16 है। दो और नगर निगम प्रस्तावित है, कहाँ कहाँ पर, एक तो दतिया और एक भिंड में, ठीक है। तो ये दो नगर निगम प्रस्तावित है अभी। तो अगर ये भी नगर निगम बन जाते हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश में कुल 18 नगर निगम हो जाएंगे। तो हमारे मध्य प्रदेश में 428 तहसील है, 16 नगर निगम है, और संभागों की संख्या कितनी है, तो 10 है। डिस्ट्रिक्ट कितनी है, तो ये 52 है। हमारे मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो 52 है। और विकासखंड कितने हैं, तो ये 313 है। हमारे मध्य प्रदेश में विकासखंड 313 है। और नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है, तो ये 98 है, ठीक है। नगर निगम 16 है और नगर पालिका 98 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 16 से 27 फरवरी तक आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये दिल्ली में किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दिल्ली में। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, आदि महोत्सव का शुभारंभ, तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में आदि महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो ये दिल्ली में किया जा रहा है। कब से कब तक, 16 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक। और देखिए इसके पहले हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में ही मध्य प्रदेश भवन का भी लोकार्पण किया गया था। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस जिले के प्रियस गुप्ता ने इंटरनेशनल योग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, तो इनका संबंध है इंदौर से। प्रियस गुप्ता ने इंटरनेशनल योग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और ये इंटरनेशनल योग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो ये नेपाल में किया गया था, ठीक है। और नेपाल की कैपिटल क्या है, तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, विद्या देवी भंडारी। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, शेर बहादुर देउवा। और यहाँ पर 81% हिंदू आबादी है, ठीक है। तो नेपाल में 81% हिंदू आबादी है। और देखिए सार्क, SAARC है ना सार्क, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये भी काठमांडू में है, ठीक है। और इसमें कितनी सदस्य देश कंट्री है, तो 8 देश सदस्य कंट्री है। कौन कौन सी, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। तो कितनी देश सदस्य कंट्री है सार्क में, 8 देश। देखिए NDPS के प्रियस गुप्ता ने इंटरनेशनल योग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और नेपाल में हुई स्पर्धा में 62 खिलाड़ियों ने ट्रेडिशनल, रिदमिक और आर्टिस्टिक योग में चुनौती पेशकश की, और प्रियस सर्वाधिक अंक के साथ पहले स्थान पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल में उज्जैन में शिव ज्योति अर्पणम के तहत एक साथ कितने दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है, तो ये 18,42,229 दीपक जलाकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश का उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में शिव ज्योति अर्पणम अभियान के तहत एक साथ कितने दिए जलाए गए, 18,42,229 दिए जलाए गए, ठीक है। और इसी के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज किया है, और यह है उसका सर्टिफिकेट। और देखिए इसके पहले 2022 में कितने दीपक जलाए गए थे उज्जैन में, तो ये 11,71,078 दीपक जलाए गए थे। और इस साल टारगेट कितना रखा था हमारे मध्य प्रदेश में,
तो ये 21 लाख दीपक जलाने का टारगेट रखा था, उसमें 18,42,229 दीपक जलाए गए। और इसके पहले 2022 में दीपावली के समय पर अयोध्या में कितने दीपक जलाए गए थे, तो 15,76,000 दिए जलाए गए थे। ठीक है, 15,76,000 दिए जलाए गए थे, तो इसी का रिकॉर्ड टूटा है। अभी हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन में सबसे अधिक दीपक जलाए गए हैं। इसकी डेट याद रखिएगा, ठीक है, महाशिवरात्रि के दिन 18 फरवरी 2023 को, और महाशिवरात्रि के दिन 18 फरवरी 2023 को ही हमारे मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 12 चीते लाए गए हैं। किस देश से लाए गए हैं, तो ये लाए गए हैं साउथ अफ्रीका से। ठीक है, इसके पहले ऑलरेडी कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीते लाए गए थे, कहाँ से, नामीबिया से लाए गए थे। उज्जैन का पुराना नाम अवंतिका भी था, तो अवंतिका नगरी यानी उज्जैन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। और शनिवार शाम यानी 18 फरवरी 2023 को शिव ज्योति अर्पणम के तहत सिप्रा के तट के से ही एक साथ 18,82,000 दिए जले, पूरा शहर रोशन हो गया और पूरा कार्यक्रम जीरो वेस्ट पर आयोजित किया गया। दीप प्रज्वलन के बाद 3R यानी रिड्यूस रिसाइकल और रियूज टेक्निक के माध्यम से इसका निपटारा किया गया। क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मानव निर्मित वन कहाँ बनाया जाएगा, तो ये भोपाल में बनाया जाएगा, भोपाल एयरपोर्ट के पास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मानव निर्मित वन भोपाल में बनाया जाएगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कहा गया है कि भोपाल एयरपोर्ट के पास मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विशाल मानव निर्मित वन बनाया जाएगा और इसका दायित्व श्री राम आस्था मिशन ने ले लिया है। और यह हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मानव निर्मित वन होगा। यहाँ कुल 1,40,000 पेड़ लगाए जाएंगे और श्री राम वन में 120 प्रजाति के पौधे रोपण की योजना है और पेड़ पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी मिशन की ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित अंकुर अभियान का संबंध किससे है, तो ये वृक्षारोपण से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वृक्षारोपण। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार अभी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित अंकुर अभियान का संबंध वृक्षारोपण से है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत कब से की गई थी, तो ये 5 जून 2021 से की गई थी। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस से की गई थी, 5 जून 2021 से की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है, अंकुर कार्यक्रम का उद्देश्य हरित क्षेत्र में वृद्धि के साथ हमारे मध्य प्रदेश को स्वच्छ पर्यावरण और प्राणवायु से समृद्ध प्रदेश बनाना है। और कार्यक्रम में फलदार छायादार वृक्षों का पौधारोपण और देखभाल करने वाले जिलेवार चयनित विजेताओं को मुख्यमंत्री प्राणवायु अवार्ड से सम्मानित कर प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। और देखिए, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि अंकुर अभियान में 15 लाख से अधिक लोगों ने सहभागिता की है। और देखिए, कल का आपका क्वेश्चन था, हाल ही में किस जिले की जनजाति महिला लहरी बाई को श्री अन्न बीज बैंक की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो इनका संबंध है डिंडोरी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डिंडोरी। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के आदिवासी जिला डिंडोरी के रहने वाली आदिवासी महिला लहरी बाई को मिलेट्स एम्बेसडर घोषित किया है। और देखिए, इसके पहले यूनेस्को ने 2023 को ईयर ऑफ मिलेट भी घोषित किया था। और ये MPPSC 2021 में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि ईयर ऑफ मिलेट्स किस वर्ष को घोषित किया था, तो ये 2023 को। मिलेट को सुपर फूड भी कहा जाता है, सुपर फूड इसलिए क्योंकि ये पोषक तत्वों का खजाना है। अभी हमारा बजट आया था 1 फरवरी को, तो उस दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में इसे श्री अन्न कहा और इसके उत्पादन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस पिछड़ी जनजाति के लोगों की आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, तो ये भारिया सहारिया या उपरोक्त तीनों को, तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली में आपको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको भी शेयर करता हूं। और इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्वीज भी होते हैं, मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, कंप्यूटर से भी इस पर क्वीज होते हैं, तो आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।